तो आज के दिन हम बात करने वाले एक बार फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में, जो आपको पता है लगातार 2 दिन हो गया ग्राउंड में देखने को मिलता है। पिछले शुक्रवार के दिन की भी बात करें तो लगभग हमें ये स्टॉक नीचे की ओर मूव करता हुआ नज़र आ गया था, और आज के दिन में लगभग 2% के आसपास ग्राउंड देखने को मिलती है। और आने वाले मंगलवार के दिन क्या हो सकता है, आने वाले कल के दिन में, और अभी आपको पता है इसके अंदर अपर सर्किट कब लगने वाला है, और हमारा क्या अब नए इन्वेस्टर है इनको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो दोस्तों करीबन इसकी करंट प्राइस की भी अभी बात करें तो लगभग 8 रुपये 65 पैसा देखने को मिल जाती है, जो करीबन मोटा मोटी बताओ तो दोस्तों तो लगभग 5 दिन में हमें 1-1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर। और अभी हम बात करें कि ठीक है दोस्तों एक टाइम होता है, ठीक है इसके अंदर गिरावट भी हो गई, ठीक है तो इस ये चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है इसके अंदर ये स्टॉक क्या है कि ऐसी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है तो ऐसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो आपको अच्छी भली पता है। अभी 6 मंथ जैसे पुराने इन्वेस्टर है तो उनको अभी भी 19% का लॉस देखने को मिल जाता है, ठीक है तो इतना बड़ा भी लॉस देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक अच्छा है दोस्तों, आने वाले लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग इसे बाय करके चल सकते हो, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में ये आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, ये ऐसा स्टॉक है तो आप लोग इसे नज़रअंदाज में रखो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है स्टॉक जब आपके हाथ से निकल जाएगा, जैसे अब मैंने कल के दिन में बोला था आज के दिन मार्केट भी अच्छा खासा गिर जाता है, ठीक है एक टाइम 2% के आसपास मार्केट सेनेक्सा बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 2% के आसपास गिरावट में देखने को मिलती है, ठीक है तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्टॉक थे जैसे विकास लाइफ केयर हो गया, एफसीएफ सॉफ्टवेयर हो गया, ये स्टॉक इतने गिरे हुए स्टॉक थे लोग इसको क्या भला बुरा बोलते थे, तो इनको मैंने बोला था कि ये आपको नज़रों में रखो स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएगा, जो जैसा बोला वैसा वैसा देखने को मिल जाता है। और आज के दिन में मैंने बहुत सारे वीडियो बना के डाले हुए हैं, क्योंकि आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अभी फाइनेंस रिजल्ट की बात करें दोस्तों, मोटा मोटी देखने को ये देखने को मिलता है हमें, तो इसमें हमें जून 2022 तक का ऐड कर दिया गया है, तो आप लोग इसके अंदर प्रॉफिट देख पा रहे होंगे, ठीक है तो करीबन ये बात करें तो लगभग रेवेन्यू की बात करें लगभग 13-14% के आसपास रेवेन्यू प्रॉफिट में देखने को मिलता है, नेट इनकम की 0.31% ग्रोथ करता हुआ ही नज़र आ रहा है। अभी हम बात करेंगे कि इसके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो लगभग 12.5% के आसपास अब की बार में 2022 के बाद जून तक का 12-12.5% नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अच्छी पति ग्रोथ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऑपरेटर की इनकम की बात करें लगभग 36% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। और अभी उसकी बात करें कॉस्ट रेवेन्यू की तो दोस्तों लगभग 17.58% के आसपास ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है तो अभी स्टॉक आपको पता है ओवरव्यू की कोई बात नहीं है, स्टॉक अच्छा है दोस्तों आपको पता है, 5 दिन में भी इतनी बड़ी गिरावट देखने नहीं मिलती है, मंथली में भी लगभग स्टॉक 3% भी गिरावट नहीं दे पाया, तो ये आप लोग सोच सकते हो। अभी बात करें 6 मंथ की तो वैसे 6 मंथ की है ना, जो पुराने इन्वेस्टर है उनका थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिल जाता है, साल भर की बात करें तो लगभग हमें पैसे बना के भी नहीं दिया इतना भी, और पैसा हमारा खोया भी नहीं, एक तरह से कैपिटल अमाउंट हमारा सेफ रहा है इसके अंदर, ठीक है अब कहीं 84-85% ऑल टाइम में देखने को मिलता था, मैक्सिमम की बात करें लगभग वही 83% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। वैसे आज के दिन की मोमेंटम की बात करें तो स्टॉक पूरे दिन अच्छी भली मोमेंटम देखने को मिलता है, एक टाइम स्टॉक के अंदर 8.80 रुपये ओपनिंग होता है, 8 हाई देता है और लो देखता है 8.60 रुपये, ठीक है तो 8.80 रुपये एक अच्छा भला तेज़ी भी देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर, उसके बाद में स्टॉक के अंदर एक लो सर्किट भी देखने को मिल जाता है जो करीबन 2% के आसपास भी होता रहता है, ठीक है तो वोडाफोन आइडिया के आने वाले फ्यूचर में देखो दोस्तों अच्छा स्टॉक है, आप 20% 10% एक बार यहाँ लगा लो, एक बार थोड़े टाइम और बाद लगा लेना, ऐसे करके आप 3-4 टाइम अगर बाई करोगे तो अच्छा भला प्रॉफिट कमा लोगे। देखो बाकी देखो दोस्तों आपकी मर्जी है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।